केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए जींद उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया और कांग्रेस सहित जेजेपी पर जमकर जुबानी प्रहार किए। जींद उपचुनाव को लेकर मंत्री बीरेंद्र सिंह बोले कि ना तो ये फाइनल है और ना ही सेमीफाइनल, बल्कि ये तो नई दिशा देने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव हरियाणा की राजनीति तय करेगा। जो लोग ये कहते हैं ना ये सेमीफाइनल है या फाइनल है या क्वार्टर फाइनल है, ये ना तो क्वार्टर फाइनल है ना सेमीफाइनल है, ये एक किस्म से हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला चुनाव होगा। और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सवा चार साल का जो हमारा शासन रहा है उसमें जो राजनीतिक स्वार्थ के माध्यम से लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की थी। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री बीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत एवं दिग्विजय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद को राजधानी बनाने के इनके दावे जनता के साथ छलावा है। वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी के चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर चुटकी लेते हुए कहा कि जेजेपी के लोग छोटा चिन्ह होने की बात करते हैं, लेकिन कप प्लेट में जितनी जगह होगी उतनी ही वोट आएंगी। कप प्लेट से छोटा और से बड़ा हो, कप प्लेट में जितनी वोट आओगे उतनी आएगी ज्यादा। बातों ही बातों में मंत्री बीरेंद्र सिंह ने दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को सलाह दी, अगर लंबा चलना है तो जाति पाति की राजनीति छोड़ दे, नहीं तो इसी चुनाव में बिस्तर बन जाएगा। मैंने तो इसका उल्टा, ये तो रॉन्ग चीज है जो वो कह रहे हैं। मैं इन बच्चों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि राजनीति में अगर लंबा चलना है तो इन धंधों को छोड़ दो, मत जाति पाति की बात करो अगर लंबा चलना, वरना तो अभी बिस्तर बन जाएगा इनका इसी चुनाव में। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि बीजेपी ने विकास की नई परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन धन योजना से पहले केवल 17% लोग बैंकों से जुड़े थे। वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर साफ कहा कि जींद उपचुनाव में बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद उपचुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। वहीं इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने जींद उपचुनाव में उतारे गए कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी आड़े हाथों लिया और बोले रणदीप सुरजेवाला एमएलए होते हुए भी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के दिवालियेपन की निशानी है। राजनीतिक तौर पे प्रवक्ता से अगर उसको छुट्टी मिल जाएगी तो उसके लिए अच्छा है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी उसकी छुट्टी कर देगा क्योंकि वो कहेगा मेरा है नहीं भाई, इसलिए अभी वहीं रहो। और जींद वालों ने तो करी रखी है, जींद की मुश्क वो जो कैथल भी पहुंच जाएगी, ये तो फ्लेवर की बात है ना, तो जनता तो फ्लेवर से चलती है। यहाँ देखा गया तो इधर इसके पल्ले कुछ है नहीं है, तो नहीं कहता मैं जींद जिले का हूँ। जींद जिले पर तो सबसे बड़ा हमला इन्होंने किया हुआ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा शाना आदमी है, उसने जींद के ही जिले के दो आदमियों को जींद की राजनीति कमजोर करने के लिए पिछले 10 साल उनका इस्तेमाल किया। वही बातों ही बातों में मंत्री बीरेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री ना बनने का दर्द भी झलका। उन्होंने कहा कि 28 साल पहले 1991 में जींद में सत्ता आ जाती, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता सुरजेवाला की बदौलत जींद में सत्ता नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि किस मुंह से सुरजेवाला जींद में सत्ता लाने की बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को आउट करने के लिए चुनाव में उतारा है, जैसे उन्हें निकाला गया था। मेरे को भी ऐसे किया था, मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि रणदीप के कोई तो कहते हैं ना आपस में जी उसका कांटा निकल गया, उसका कांटा निकल गया ना, एक तो राहुल गांधी हो या मैं भी हूँ, किसी कोई बहुत सालों से मेरे साथ हो तो मैं उसको छुट्टी करना कई बार नैतिकता भी बोल पड़ती है कि नहीं यार ऐसा जरूर ना कर, तो उसको इलेक्शन लड़वा दो। वो क्या अगर किसी का खराब करना हो इलेक्शन लड़वा दो, फसवा दिया इसका मतलब दोनों बातों फंस गया। साथ ही बीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि बीजेपी सिर्फ एक राउंड में नीचे रहेगी, लेकिन बाकी के राउंड में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीरेंद्र सिंह बोले कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम कांग्रेस के समय में इंट्रोड्यूस हुई थी। ईवीएम की जो वैरासिटी है उसकी जो उसमें तो अभी तक किसी भी अगर कोई
देखो मैं आपको, सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि कांग्रेस के समय में इंट्रोड्यूस हुई थी और सेशन वो जो थे ना उनसे लेके और आज तक 2014-15 तक जितने भी हुए वो कांग्रेसियों द्वारा बनाए गए चीफ इलेक्शन कमीशन थे। किसी एक ने भी आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि उससे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता कि इस ईवीएम में कोई घुसपैठ या कोई गड़बड़ कोई हो सकती है। बाकी चुनाव तो हम अगर कहें और सोचें तो हमारे को ये सवाल पूछना चाहिए कांग्रेसियों से कि भैया छत्तीसगढ़ में सारी सीटें ले गए तो ईवीएम वहाँ तो आपने मैनेज की है क्या? वो कहते हैं कि हमने मैनेज किए तो हम भी फिर सोचेंगे हम करते हैं या नहीं करते। पूछो तो सवाल कि ईवीएम का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, यहाँ भी होगा, और पीछे गुजरात में चुनाव हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, जहाँ जीत जाए वहाँ तो कहते ठीक है, पंजाब में हुए कहते ठीक है। कांग्रेस को घेरते हुए मंत्री बीरेंद्र सिंह बोले कि जहां कांग्रेस जीत जाए वहां ईवीएम ठीक नहीं तो गलत। हिंद एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।